हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विभा क्रिएशन। आज मैं आप सबके लिए टेस्टी और चटपटा नाचोस की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, तो अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप राइस फ्लोर लिया है, 1/2 कप मैदा, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, क्यूमिन सीड, चॉप्ड कोरिएंडर, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक। अब इसे हम बटर मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आप बटर मिल्क के जगह 1 टेबल स्पून लेमन भी डाल सकते हैं और इसे पानी से भी गूंद के बना सकते हैं, लेकिन मैंने बटर मिल्क का यूज किया है। बटर मिल्क डालने से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा हमारा नाचोस। तो अगर आपके पास बटर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नींबू का जूस भी यूज़ कर सकते हैं उसके जगह। इससे जो नाचोज है वो चटपटा बनेगा। मैं 1 दिन पुराना बटर मिल्क यूज़ कर रही हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा सा खटापन आ गया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनकर तैयार होगा और खाने में बहुत ही चटपटा लगेगा। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल रोटी के आटे जैसा गूंद के रख देना है। इसे बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा सा बटर मिल्क लेकर इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करके हमें इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद इस तरह से पेड़े लेकर हम इसमें ऑयलिंग कर देंगे और इस तरह से बेल लेना है हमें अच्छे से, बिल्कुल रोटी के जैसा बेलना है इसे। बेलन की सहायता से अच्छे से एकदम बिल्कुल पतला सा चपाती जैसा बनाना है हमें। अब हम एक पिज्जा कटर लेंगे। अगर पिज्जा कटर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कुकी कटर यूज कर सकते हैं इसमें, जो ट्रायंगल शेप का है, और अगर वो भी नहीं है तो आप नाइफ से भी बना सकते हैं। इस तरह से कट करना है हमें, क्योंकि नाचोस जो रहता है वो बिल्कुल ट्रायंगल शेप में रहता है, तो हमें इसे ट्रायंगल शेप में ही कट करना है। तो इस तरह से ट्रायंगल शेप में हम इसे कट करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, किनारे निकाल के हम रख देंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम आटे का पेड़ा लेंगे तो उसमें इसे मिक्स करके वापस इसे बनाएंगे। तो इस तरह से सारे के सारे जो हमारे नाचोज है वो तैयार कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से बना लेना है हमें। अब हमें एक फॉर्क की सहायता से इसमें डॉट करने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ताकि जो हमारा नाचोज है वो फूले ना, क्योंकि अगर ये फूल जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसमें डॉट कर देना है फॉर्क से, ताकि ये क्रिस्पी बनेगा इससे और ये ज़्यादा तेल भी ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे नाचोस तैयार हो चुके हैं तेल में फ्राई होने के लिए। अब हम एक पैन में तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। इसे अच्छे से गर्म होने देना है। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा आटा इसमें डालकर देखूंगी। जब ये तैर कर ऊपर आ जाएगा, यानी कि जो हमारा तेल है वो नाचोस बनने के लिए बिल्कुल रेडी है,
तो ये देखिए ये तैर कर ऊपर आ चुका है, यानी कि तेल जो हमारा है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हम इसमें नाचोस डालेंगे उससे पहले जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल फुल रहेगा, और नाचोस डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा ताकि जो हमारा नाचोज है वो अच्छे से मतलब क्रिस्पी बन सके, क्योंकि अगर ये फुल फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे तो ये जल सकता है। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना है, इसे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसमें अच्छे से पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नाचोज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये तैयार भी हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगा। मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इस तरह से हम बाकी के सारे नाचोस बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे नाचोस बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।